वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर के फर्नीचर में, सोफों में, बेड में, जहां कहीं भी आपके घर में जो खटमल मौजूद है दोस्तों, तो उनके लिए जो है मैं आज एक रेमेडी तैयार कर रही हूं। और ये जो है जड़ से ख़त्म हो जाएंगी खटमल आपके घर से, बहुत ही घरेलू रेमेडी होगी, ठीक है दोस्तों। और खटमल जो है, खटमलों से जो है आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा इस रेमेडी से। तो दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो खटमल ज़्यादा नज़र आते हैं, और जहाँ अंधेरी जगह होती है दोस्तों, वहाँ ये ज़्यादा जन्म लेते हैं, क्योंकि अंधेरी जगह जो है इनको बहुत पसंद होती है। तो कोशिश किया करें कि घर में जो है रोशनी का इंतज़ाम करें, धूप का इंतज़ाम करें, ताकि रोशनी से जो है खटमल अंधे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है, तो आप लोग जो है सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी सही हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि खटमल जो है छोटे बच्चों को जो है बहुत काटते हैं, और है ना, रात भर बच्चों को सोने नहीं देते हैं। तो मैंने ये वीडियो आज तैयार करनी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। तो आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि मैंने जो है ये किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फिनाइल की टैबलेट ली है। ये बहुत ही आसानी से जो है मार्केट में मिल जाती है दोस्तों। तकरीबन 3 अदद जो है मैंने फिनाइल की टैबलेट ली है, और साथ में जो है मैंने ये फॉइल लिया है, ठीक है दोस्तों। ये भी आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो आप लोग जो है ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 2-3 स्टिक पड़ी हुई है, तो मैं जो है इसके अंदर यही स्टिक जो है इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है दोस्तों। तकरीबन आधे स्टिक मैंने ली है दोस्तों, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है पीसना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप लोग इसको पीस लीजिएगा, और अभी मैं आपको आगे का तरीका बताऊंगी कि आगे हम लोग इसके अंदर क्या ऐड करेंगे। अब मैंने क्या किया है, एक डब्बा ले लिया है फालतू सा, ठीक है। और ये जो है मैं घर में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, यानी कि मैं जब रेमेडीज़ वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसी के अंदर बनाती हूँ। तो आप लोग भी एहतियात कीजिएगा, खाने पीने की चीज़ें इसके अंदर हल्की स्मट करिएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये पाउडर को इसके अंदर ऐड करेंगे, और अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने मॉर्टिन का जो है मैंने कॉइल लिया है, ठीक है। ये हर घर में मौजूद होता है, तो ये भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये बहुत ही आसानी के साथ खुल जाता है। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे आप लोग, तकरीबन आधी चम्मच जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और साथ में मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे मैंने विक्स बाम लिया है, ठीक है। ये भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम लोग तकरीबन 1 चम्मच जो है इसके अंदर विक्स बाम ऐड करेंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से इसके मिक्सिंग करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। और अभी जो है मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जो है मैं गर्म पानी ऐड करूंगी, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, क्योंकि हमने इसके अंदर विक्स बाम भी डाला है। तकरीबन 1 गिलास जो है इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी दोस्तों। आप लोग जो है इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना, ठीक है दोस्तों, ताकि ये इसके अंदर जो हमने सारी चीज़ें बनाई है, डाली है, यानी कि वो सब इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप लोग जो है इसे 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्प्रे वाली बॉटल ले लेंगे, और उसके अंदर जो है इस महलून को हम लोग डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त महलून बनेगा ये,
और है ना आपके घर में से जो है खटमल फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है आप लोग इसे छान कर डालिएगा। ठीक है, और ये जो है आपके घर में से खटमल को फौरी तौर पर ख़त्म करेगा। और आपके जहाँ दरवाज़ों पे, बिस्तरों पे, जहाँ जहाँ आपके घर में खटमल मौजूद है वहाँ पे जो है इसका स्प्रे करना आप लोग शुरू कर दें, आपके घर में से खटमलों का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।